सभी साथियों को नमस्कार। और आज हरियाणा AIPF और नागरिक विचार मंच की तरफ से ये जो गोष्ठी विश्व घटनाक्रम और बदलता परिदृश्य तथा यूक्रेन की का संकट, ये बहुत ही सामयिक विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं हमेशा ही कहता रहा हूं, पहले भी और आज फिर से इस बात पर जोर देकर कहूंगा कि हम जिस विश्व में रह रहे हैं उसमें परिवर्तन पहले से भी ज्यादा तेजी से घटित हो रहा है। और इसका मूल कारण, जो केंद्रीय कारण है, जो एक्सिस है, वो है वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति और सूचना क्रांति। सूचना क्रांति ये साबित करती है कि विश्व के का सामाजिक ढांचा और सामाजिक आर्थिक संरचनाएं बदल रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। वो इस कदर तेजी से हो रहे हैं कि अक्सर ही उन्हें समझना और उनका अर्थ पकड़ना हमारे लिए, हम सभी के लिए कठिन होता जा रहा है। मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि इन परिवर्तनों की जड़ में अंतर्विरोधी प्रक्रियाएं काम कर रही हैं और ये अंतर्विरोधी प्रक्रियाएं ऐसी असंख्य घटनाओं को जन्म दे रही हैं जो अक्सर ही हमें एक तरफा वन साइडेड नतीजों पर पहुंचा ले जाती हैं। और इसलिए अगर हम इन घटनाओं को एक तरफा तरीके से देखें, पुरानी सोच के अनुसार देखें, पुराने परिकल्पनाओं, धारणाओं और विचारों को ले के चले, जिन्हें अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, तो हम गलत नतीजों पर पहुंच सकते हैं, जैसा कि यूक्रेन के संदर्भ में हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण घटनाएं इस विश्व में हुई हैं, उन पर कम से कम सरसरी नज़र डालने की ज़रूरत है। एक चीज़ जिस एक घटना पर मैं जोर देना चाहूँगा, और वो है कि पिछले दशक में सूचना क्रांति यहाँ तक पहुँच गई है कि मोबाइल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन का अंग बनती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों के विचार, देशों के विचार, सरकारों के विचार, विचारों के आदान प्रदान की गति बहुत तेजी से बढ़ गई है। और कई मानों में लोग ज़्यादा कॉन्शियस, ज़्यादा सचेत हो गए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वे सचेत होने के बाद का परिणाम स्वरूप सही नतीजों पर पहुँचते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। उसके लिए विश्लेषण और संश्लेषण, एनालिसिस और सिंथेसिस की ज़रूरत है। तो हम डायलेक्टिक्स के, इतने जटिल डायलेक्टिक्स के दौर से गुजर रहे हैं कि उन्हें सभी पहलुओं के रूप में समझना आवश्यक हो गया है। एक जो सबसे पहले मैं सकारात्मक पहलुओं पर जोर देना चाहूँगा, मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में प्रगतिशील विचार काफ़ी आगे बढ़े हैं। विशेष तौर पर लैटिन अमेरिका की घटनाओं पर अगर ध्यान दें तो पिछले दो दशकों में लैटिन अमेरिका के एक दर्जन से भी अधिक देशों में
प्रगतिशील जनतांत्रिक और वामपंथी शक्तियां लगातार हावी हुई हैं। दुर्भाग्य से इन पर कोई विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं किया गया है। पहले जब यूएसएसआर का जमाना था, सोवियत संघ जब अस्तित्व में था, उस समय जो विश्व परिघटनाएं होती थी, विश्व का जो ढांचा था, उसके तहत सभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की गहरी स्टडी हुआ करती थी, गहरा विश्लेषण होता था। आजकल ये एक रुझान पैदा हो गया है कि हम विश्व में जो घटनाएं हो रही हैं उनकी गहराई में जाने से बचते हैं। इस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नतीजे इनसे निकलते हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं। मसलन, लैटिन अमेरिका में सत्ता, राज सत्ता के ढांचे में बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है, और वो स्थानांतरण इसलिए हो रहा है क्योंकि लैटिन अमेरिका के समाज की संरचना बदल रही है। अधिकतर लैटिन अमेरिका शहरों में रहता है। 20वीं सदी में लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों में, जैसे पेरू, इक्वाडोर वगैरह देशों में, मेक्सिको में, ब्राज़ील में, किसान आंदोलन बहुत जोरदार तरीके से हुआ करते थे। उनके संगठन, उनके संघर्ष, कई घटनाओं को तो क्रांतियों का भी नाम दिया गया, बोलीविया में, कोलंबिया में। लेकिन आज ये परिस्थिति नहीं रह गई है, ये परिस्थिति जा चुकी। अब किसान आंदोलन लैटिन अमेरिका में उस तरह से नहीं होता है, और इसका जो मूल कारण मुझे दिखाई देता है वो ये है कि लैटिन अमेरिका की ज्यादातर जनसंख्या अब शहरों में रहने लगी, बड़े बड़े शहरों में, और शहरीकरण, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से चल रहा है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, और मुझे लगता है कि लैटिन अमेरिका के लेफ्ट ने, लैटिन अमेरिका के वामपंथी जनवादी और प्रगतिशील आंदोलन ने इस बात को समझा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि भारत के वामपंथी आंदोलन और जनवादी आंदोलन ने इस शिफ्ट को नहीं समझा है, इसको नोट भी नहीं किया है। मेरी समझ से मूल कारण है वामपंथ के जीवित होने के लैटिन अमेरिका में। इस बात के बावजूद कि ब्राज़ील और दो एक देशों में धक्का मिला है, जनवादी शक्तियां पीछे हटी हैं, लेकिन फिर आगे बढ़ रही हैं, और उनके जीत की संभावना फिर पैदा हो रही है। हाल ही में चिली की जो घटनाएं हैं उनकी गहराई में जाने की ज़रूरत है। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन लैटिन अमेरिका में हुआ है वो ये है कि वहाँ की जो फौज है, सेना, वह फौज अब वहाँ के जनवादी प्रक्रिया को का समर्थन करती है या न्यूट्रल रहती है। 50, 60 और 70 के दशकों में, 80 के दशकों तक लैटिन अमेरिका के ज़्यादातर देशों की राज सत्ताएँ और ख़ास करके सेनाएँ, आर्मीज, जनवादी नतीजों का सम्मान नहीं करती थी, और अक्सर ही राजसत्ता के तख्ता पलट का तरीका अपनाती थी, जिसको अंग्रेजी में मिलिट्री कू कहते हैं। कभी कभी वामपंथियों ने भी मिलिट्री कू वहाँ किया है, जैसे ग्वाटेमाला में और कुछ एक देशों में, लेकिन वो अपवाद के तौर पर। लेकिन आज कुल मिलाकर चुनावों में वामपंथियों की भी अगर जीत होती है तो सेना हस्तक्षेप नहीं करती, जिसका परिणाम यह है कि वामपंथी जनवादी रुझानों की सरकारें वहाँ बन सकती हैं, बन पाती हैं, और एक लंबे समय तक टिकी रह जाती हैं। तीसरी बात यह कि लैटिन अमेरिका का जो पूरा अर्थतंत्र है, कुछ मानों में उसका एकीकरण हो रहा है, और इसलिए एक स्पष्ट रणनीति बनाना जनवादी ताकतों के लिए पहले से ज़्यादा संभव हो रहा है। इस अर्थतंत्र की रुझान अमेरिका
अमरीकी साम्राज्यवाद विरोधी है आमतौर पर कुल मिलाकर। इसके तहत इसके अंदर बहुत मजबूत दक्षिणपंथी धाराएं हैं जैसे ब्राजील वगैरह देशों में। इन बातों को लैटिन अमेरिकन जनवादी जो आंदोलन है उसने समझा है और उसका विश्लेषण किया है। वहाँ आज बहुत बड़े पैमाने पर जिसे वर्किंग क्लास कहते हैं, ट्रेडिशनल वर्किंग क्लास, परंपरागत मजदूर वर्ग, वह पीछे जा चुका है और एक नए किस्म का मजदूर तबका पैदा हो गया है जो शहरों में रहता है, जो फैक्ट्रियों के अलावा सर्विसेज में काम करता है, इंफॉर्मेशन में काम करता है। जो वहाँ का नौजवान तबका है वह बहुत ज़्यादा सक्रिय है और अपनी आवाज़ें बुलंद करता है और उनके बीच में प्रगतिशील शक्तियों का मजबूत असर है। नतीजा है कि जैसा कि चिली में हमने देखा कि युवा और महिलाएं काफ़ी आगे आ करके और मध्यम तबका, मध्यम वर्ग काफ़ी आगे के संघर्षों में हिस्सा ले रहा है। मध्यम वर्ग को लेकर मार्क्सवाद में काफ़ी बहसें पुराने ज़माने से होती रही। आज मध्यम वर्ग एक सक्रिय तबका या सक्रिय वर्ग सारी दुनिया में बन चुका है। जब हम मध्यम वर्ग कहते हैं तो ये मध्यम वर्ग वो तबका है जो ना फैक्ट्रियों में काम करता है और ना ही पूंजीपति है, बड़ा पूंजीपति है। बीच के जो दरमियानी तबके हैं वो सर्विसेज में, फैक्ट्रियों में कंप्यूटराइजेशन होने के बाद प्रोग्रामिंग में, सिलिकॉन वैली जैसे जो नए उद्योग हैं उनमें, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जिनको कहते हैं, टीचिंग में, वकील, डॉक्टर, इस तरह के जर्नलिस्ट, पत्रकार, ये विशाल तबका है जो घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। सेकेंड इंटरनेशनल के ज़माने में इस पर बहस हुई थी 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ में, और मार्क्सिस्टों का एक तबका यह समझता था और सही समझता था, पूरी तरह गलत नहीं था, कि मध्यम तबका टूटकर बड़ा हिस्सा मजदूर बन जाता है और एक छोटा हिस्सा, छोटा मझोला पूंजीपति बन जाता है। इसको लेकर के बड़ी बहस हुई थी और लेनिन, बर्नस्टीन, काउट्स्की, इन सब के बीच में इन बातों को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज के बीच में। लेकिन आज हम ये देखते हैं और बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं और देखना चाहिए कि दुनिया में, सारी दुनिया में आज मिडिल क्लास जिसे कहते हैं, जो कि एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, बहुत व्यापक परिकल्पना है, ये श्रेणी है जिसमें कई तरह के लोग काम करते हैं और जिसमें मानसिक काम की भूमिका, मानसिक श्रम की भूमिका, मेंटल लेबर की भूमिका बढ़ती जा रही है और इसलिए भी बढ़ती जा रही है और इसलिए मुख्य रूप से बढ़ती जा रही है क्योंकि सूचना क्रांति मानसिक श्रम को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देती जा रही है। तो मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग इस सूचना क्रांति का सीधा परिणाम है। दूसरा इसका कारण है कंज्यूमर सोसाइटी पैदा होने का। आज नई टेक्नोलॉजी के चलते उपभोक्ता वर्ग या कंज्यूमर, जिसे कभी जिसकी आलोचना होती थी, जिसका मजाक उड़ाया जाता था, कुछ माने, कुछ आलोचनाएं सही भी थी, लेकिन आज हर नागरिक, इवन मजदूर वर्ग का भी, के भी सदस्य उपभोक्ता किसी न किसी रूप में बनते जा रहे हैं क्योंकि मास प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये जो तबका है आज लैटिन अमेरिका में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, न कि किसान और मजदूर। इसका यह मतलब नहीं किसान और मजदूरों की भूमिका समाप्त हो गई, उनकी भूमिका है, आज भी है, चिली जैसे देश में भी है और बहुत सक्रिय है, लेकिन अब यह वो भूमिका नहीं रह गई जो आज से 3 या 4 दशकों पहले लैटिन अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में थी। ये इस मिडिल क्लास ने, इस मध्यम वर्ग ने आज लैटिन अमेरिका में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
इस सिलसिले में चिली की घटनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सरकारें क्या करती हैं, इन सरकारों का चरित्र क्या है जो आज लैटिन अमेरिका में आ रहा है, जिसे हम प्रगतिशील सरकारें कहते हैं। कई लोग इसमें क्रांति देखने की, इनकलाब देखने की कोशिश करते हैं। वो ये समझते हैं कि अब समाजवाद आ गया है, समाजवाद के रास्ते पर अब चल पड़े। इसमें समाजवाद खोजना गलत है, इसमें पुराने ढंग की क्रांति खोजना गलत है। ये जरूर क्यूबा से इंस्पायर जरूर हुए हैं, क्यूबा उनके सामने एक कास्ट्रो, चे गुवेरा वगैरह उदाहरण जरूर है, लेकिन अब क्यूबा सरी की क्रांति लैटिन अमेरिका में नहीं हो रही। ये क्यूबा से इन्होंने कुछ भी किसी भी तरह की तुलना इनकी नहीं हो सकती। क्यूबाई क्रांति दूसरे किस्म की थी, इन्हें हम उस रूप में क्रांति नहीं कह सकते। इन्हें हम ये कह सकते हैं कि ये जनवादी परिवर्तन के नए रूप हैं। यह दक्षिणपंथ, चरम दक्षिणपंथ के हाथ से सत्ता फिसलकर प्रगतिशील तबकों के हाथ में जा रहा है, और इस बात की संभावना है कि वर्तमान राजसत्ता और वर्तमान व्यवस्था का इस्तेमाल करके, वर्तमान संविधान का इस्तेमाल करके, चुनाव प्रणाली का इस्तेमाल करके प्रगतिशील वामपंथी शक्तियां कुछ करके दिखा सकती हैं। दे हैव टू परफॉर्म। पानी, बिजली, मकान, रोजगार, नौकरियां, सड़कें, फ्लाईओवर, मेट्रो इत्यादि, कीमतें, तेल का सवाल है, ये सारे सवालों को एक हद तक या काफ़ी हद तक हल किया जा सकता है। किस हद तक वो हल करते हैं या कर पाते हैं, इन पर बहुत कुछ भविष्य की घटनाएं निर्भर हैं। एक बात नोट करने लायक है कि ये लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 21वीं सदी के ज्यादातर चुनाव प्रगतिशील शक्तियों ने लैटिन अमेरिका में जीते हैं। इसलिए ये थीसिस कि वामपंथ चुनाव नहीं जीत सकता या चुनाव जीतकर सत्ता में नहीं आ सकता, ये थीसिस गलत साबित हो जाती है लैटिन अमेरिका की घटनाओं से। लेकिन अब उससे भी कठिन काम सामने ज्यादा कठिन है कि वामपंथी जनवादी शक्तियां काम कैसे करके दिखाती हैं। दक्षिणपंथ की आलोचना बहुत आसान है, हम आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में आएंगे तो आप क्या करेंगे, यह सवाल जनता के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई सारे देशों में उन्होंने बहुत कुछ किया है, उनके विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे बोलीविया में किया है उन्होंने, ब्राजील में किया, और भी देशों में, उरुग्वे में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं और उससे जनता को राहत मिली है, लेकिन कई और देशों में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आर्थिक समस्याएं, फाइनेंस कैपिटल, वित्त पूंजी की पकड़, स्वयं कई वामपंथी और प्रगतिशील शक्तियां भी वित्त पूंजी के हक में भी कई बार वो काम करती हैं। इतना आसान नहीं है, वामपंथ का ये मतलब नहीं है कि हर बारे में वो स्पष्ट ही हो। कम्युनिस्टों के अलावा भी दूसरे वामपंथी भी हैं, और कम्युनिस्ट भी वहाँ दूसरे किस्म के कम्युनिस्ट हैं कई मानों में। एक अच्छी बात ये हुई है कि सभी देशों से छापेमार युद्ध समाप्त हो चुका है। वो एक बहुत बड़ी समस्या लैटिन अमेरिका में थी, वो समाप्त हो गई, और इसलिए जनवादी प्रक्रिया को आगे बढ़ने की छूट मिली है, आगे बढ़ना ज़्यादा आसान हो गया है। चिली में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है जिस पर सभी को विचार करना चाहिए। वहाँ जो संविधान सभा बनी, उस संविधान सभा का को जिम्मेदारी दी गई वहाँ का संविधान बदलने की। ये संविधान पिनोशेट ने बनाया था, जो डिक्टेटर था, जिसने कभी सल्वाडोर एलियंदे का तख्ता पलट करवाने में मदद की थी, और सल्वाडोर एलियंदे और वामपंथी और कम्युनिस्टों की बहुत बड़े पैमाने पर हत्या की थी। इस संविधान सभा में 51% सदस्य महिलाएं हैं, और इन्होंने एक नया संविधान बनाया, और नए संविधान के तहत ये चुनाव हुए, जिसमें वामपंथी जनवादी शक्तियां, खास करके वामपंथी शक्तियां, बहुत मजबूती से जीत कर आई। इसमें बहुत बड़ी भूमिका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चिली की है,
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चिली ने 1973 में जो मार्क्सवादी सल्वाडोर एलियंदे की सरकार बनी थी उसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी, जिसके नेता कोरवालान थे, कोरवालान वहाँ के जन नेता थे, आज भी उनका नाम चिली में जाना जाता है। तो ये जो नई सरकार बनी है इसके जो राष्ट्रपति हैं बोरिक, गैब्रियल बोरिक, ये सिर्फ मात्र 36 साल के हैं और इनकी कैबिनेट में कम्युनिस्ट पार्टी को 4 सीटें मिली हैं। इस कैबिनेट की खासियत ये है कि इसमें 40 में से लगभग आधे से अधिक महिलाएं हैं और वो महिलाएं बिल्कुल यंग हैं, 20 और 30 के उम्र के आसपास, 20 से 30 के बीच, 35 के बीच, 40 से बड़े उम्र के मिनिस्टर बहुत कम है। ये एक नए किस्म का प्रयोग चिली में चल रहा है। वास्तव में चिली में पहले से ही एक नया किस्म का प्रयोग 3-4-5 वर्षों पहले चला और जिसे कहा गया हाउसवाइफ्स रिवॉल्यूशन, गृहिणियों की क्रांति कहा गया। गृहिणियां आई सामने और उनके वोट से वहां एक वामपंथी बिशेलेट महिला है, आजकल यूनाइटेड नेशंस में है, वो जीत के आई और उन्होंने महिलाओं के लिए खास करके किचन से संबंधित बहुत सारे सुधार किए। इसलिए उस सरकार को हाउसवाइफ्स रेवोल्यूशन कहा गया। तो इस तरह के परिवर्तन और बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन दक्षिण अमेरिका में हो रहे हैं। और भी देशों में अपनी अपनी खासियतें हैं जिनमें जाने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि क्रांतिकारी सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए इन अनुभवों को सार रूप में लेने की जरूरत है। ये जो सवाल उठता है कि 21वीं सदी में क्रांति क्या होगी, समाजवाद क्या होगा, उसका आंशिक जवाब लैटिन अमेरिका की घटनाओं में मिलता है। लैटिन अमेरिका के अलावा दुनिया के और देशों में भी सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। एक तो बिडेन का जीतना, स्वयं अमेरिका में बाइडन या बिडेन जो भी कहते हैं उन्हें, उनका ट्रंप को हराना और सत्ता में आना और उनके चुनाव में वामपंथियों ने, सोशलिस्टों ने, कम्युनिस्टों ने, ट्रॉट्स्की पंथियों ने, सभी ने काम किया और बड़े पैमाने पर काम किया और ट्रंप को पराजित किया। उसका गहरा संबंध वित्त पूंजी से है, उसका गहरा संबंध औद्योगिक पूंजी से है और वहाँ जो तेल से संबंधित निहित स्वार्थ है उनसे, ये इनकी भी गहराई में जाने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि लैटिन अमेरिका की व्यापक जनता ने अपने को एसर्ट करते हुए बड़े इजारेदार वित्तीय पूंजीवाद के एक बहुत बड़े हिस्से को पराजित किया। इसका ये मतलब नहीं कि बिडेन जो आज जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सारे अच्छे ही काम कर रहे हैं, प्रगतिशील काम कर रहे हैं और बहुत सारे वाले में स्पष्ट है कि वो साम्राज्यवादी नीतियों पर भी चल रहे हैं, उनका साम्राज्यवादी चरित्र खत्म हो गया, इस नतीजे पर हम नहीं पहुँचते हैं। इसके अलावा यूरोप में बहुत सारी घटनाएँ हो रही हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में हो रही हैं और इन सारी घटनाओं में प्रगतिशील शक्तियों को की मजबूती दिखाई देती है। जैसे साइप्रस में है, जो सोवियत संघ के पतन के बाद पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देशों में जनवादी सरकारें बनी हैं, बहुत सारे देशों में, सारे देशों में नहीं। जर्मनी का एक बहुत बड़ा परिवर्तन जर्मनी में हुआ है, जहां कम्युनिस्ट वामपंथी और सोशल डेमोक्रेट्स मिल करके बहुत सारे राज्यों में सरकारें चला रहे हैं और आज जर्मनी अमरीकी साम्राज्यवाद का एक निशाना बना हुआ है। जर्मनी में न सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक नीतियाँ बल्कि पर्यावरण संबंधी नीतियाँ भी साम्राज्यवाद के निशाने पर हैं और इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आज पर्यावरण भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है प्रगतिशील आंदोलन का, क्योंकि हम अक्सर ही जब पर्यावरण की बात करते हैं तो उसे हम अपने आप अलग करके रखते हैं आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से, लेकिन पर्यावरण यूरोप में, पुर्तगाल में, स्पेन में, ग्रीस में, खास करके जर्मनी में बहुत बड़ा मुद्दा है। वो इस बात का भी मुद्दा है
कि कैसे इजारेदारों से, वित्तीय इजारेदारों और निहित स्वार्थों से, कारपोरेट घरानों से किन मुद्दों पर लड़ाई की जाए। ये जर्मनी में खास तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा है ग्रीन एनर्जी को लेकर। रिफ्किन ने जो किताब लिखी है, जेरेमी रिफ्किन की कई बार हम लोगों के बीच में उनका उल्लेख हुआ है, तो रिफ्किन ने एक किताब लिखी थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और उसके बाद अभी हाल में कुछ एक आध दो तीन साल पहले उन्होंने किताब लिखी एनर्जी, किताब का नाम है एनर्जी। एनर्जी कैसे आज राजनीतिक शक्तियों के लिए एक संघर्ष का मुद्दा बन गया है यूरोप के पैमाने पर, और पर्यावरण, ये उस किताब में बहुत अच्छे तरीके से उसका विश्लेषण किया गया। तो यूरोप में भी प्रगतिशील परिवर्तन, प्रोग्रेसिव शिफ्ट बहुत बड़े पैमाने पर है, और मैं समझता हूं कि नए किस्म के प्रगतिशील शक्तियां हैं, नई किस्म की वामपंथी शक्तियां हैं जो 20वीं सदी में नहीं पाई जाती थी, 21वीं सदी की देन है, वो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की देन है, वो पर्यावरण संबंधी जो विवाद है उनकी देन है, और इसलिए पर्यावरण आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कारपोरेट से संबंधित, खास करके तेल कारपोरेट से संबंधित जो निहित स्वार्थ है, वो नहीं चाहते हैं पर्यावरण की समस्या हल होने देना, और इसलिए पर्यावरण भी एक प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी शक्तियों के बीच संघर्ष का मुद्दा है। ये जो एशियाई हिस्सा है इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, जब हम भारत के बारे में बात करेंगे अपने हमारे देश की क्या स्थिति है तो उन पर हम विचार अलग से कर सकते हैं। दूसरा जो परिवर्तन इस बीच में हुआ है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों से संबंधित है, वो ये है कई बातें सामने आई, कई मुद्दे सामने आए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज फाइनेंस कैपिटल बड़े पैमाने पर कर रहा है। टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी, यह समझना कि नई टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक सामाजिक परिवर्तन ला देती है, ये ऑटोमेटिक तौर पर वह प्रगतिशील और जनवादी है, यह गलत होगा। और हाल की घटनाओं, पिछले दो दशकों या एक दशक की घटनाओं ने इसे साबित कर दिया कि आज फाइनेंस कॉरपोरेट कैपिटल दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर आज कब्जा जमा रहा है, साथ ही छोटा और मझोला पूंजी व्यक्ति पूंजी भी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये जो वित्त पूंजी का सवाल है ये बहुत गंभीर मुद्दा बन करके आ रहा है। वित्त पूंजी और उत्पादक पूंजी के बीच का टकराव दुनिया के पैमाने पर बढ़ा है, और बहुत सारे अध्ययन हो रहे हैं, बहुत सारे अर्थशास्त्री इस माने इस क्षेत्र में उन्होंने जो अध्ययन किए हैं, आंकड़े दिए हैं, उनसे साफ जाहिर है। आपको याद होगा कि हमने चंडीगढ़ में कुछ साल पहले 2017 या 16 में हमने एक सेमिनार किया था जिसमें प्रोडक्टिव और फाइनेंस कैपिटल, उत्पादक और वित्त पूंजी के बीच के टकराव की बात की थी हमने उस समय। आज हम देखते हैं 5 सालों के बाद कि यह टकराव बढ़ा है, और कई देशों में या कई क्षेत्रों में जिसमें हमारा भारत खास तौर पर शामिल है, उत्पादक पूंजी को बर्बाद किया जा रहा है। तो कॉरपोरेट पूंजी खुद उत्पादक पूंजी को बर्बाद करने पर तुली हुई है, और इसमें नई टेक्नोलॉजी उसकी उसके लिए बहुत मददगार है। इसलिए नई टेक्नोलॉजी वित्त पूंजी को बहुत बड़े पैमाने पर पैदा कर रही है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्योंकि नई टेक्नोलॉजी में मुख्य है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना की क्रांति, सूचना की जो पूरी टेक्नोलॉजी है, सूचना से संबंधित जो चीजें हैं उन पर रिसर्च, उनकी स्टडी, उनका उत्पादन, उनका इस्तेमाल, यह बहुत खर्चीला है। और ये जो पूरा चिप से लेकर तो मशीन तक
बनाने का काम जो है ये कारपोरेट हाउसेज ही कर सकती हैं, या ज़्यादा उन्हीं के बूते की बात है। और इसलिए इस मामले में दुनिया के जो शेयर बाजार हैं वह बड़ी आसानी से यूनाइट हो जाते हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालते हैं। लेकिन इससे यह नतीजा नहीं निकाला जाना चाहिए कि छोटे और मझोले जो उत्पादक हैं, छोटे और मझोले जो उद्यमी हैं, वो सूचना का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सूचना टेक्नोलॉजी ही ऐसी है कि बड़ी आसानी से हर व्यक्ति और हर दल, हर छोटा उद्यम इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इस्तेमाल करने की प्रक्रिया में उसे कारपोरेट पूंजीवाद से लड़ना पड़ता है। और इसलिए आज की जनवादी क्रांति का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का मुद्दा है कि वो वित्त पूंजी से संघर्ष करे। जब भी हम टेक्नोलॉजी की भी बात उठाएंगे तो बिना वित्त पूंजी से संघर्ष किए वो बात आगे नहीं चलेगी। और इसलिए जो ट्रेड वार चल रहा है, ये ट्रेड वार बढ़ा है, व्यापार का टकराव बढ़ा है दुनिया में। ये व्यापार का टकराव आज अमरीका, रूस और चीन के बीच में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें इंडिया भी एक प्लेयर बनता जा रहा है। इसलिए हाल की घटनाओं में तेल को लेकर, तेल के पाइपलाइनों को लेकर, सेमीकंडक्टर्स और माइक्रोचिप्स को लेकर, कंप्यूटर्स को लेकर, नई टेक्नोलॉजी को लेकर आप पाएंगे कि पश्चिमी देशों